देखिए क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स वेरीफाई दैट ए बी का इनवर्स जो होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होगा। चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर से देखते हैं इसके। सबसे पहले हम लोग ए को लेते हैं, यहाँ पर दिया है देख लीजिए 3 5 3 2 7 5, और दूसरा यहाँ पे बी दिया हुआ है मैट्रिक्स, यहाँ देखिए 4 6 3 2। ठीक है, चलिए पहले दोनों का डिटरमिनेंट वैल्यू देख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 15 माइनस का 14 1 आएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। बी का भी डिटरमिनेंट वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पर 8 4 2 जा 8 और माइनस का 18, माइनस का 10, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। दोनों का इन्वर्स निकालने के लिए दोनों का कोफैक्टर निकालेंगे, तो कोफैक्टर C11 इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 5, C12 निगेटिव होता है -7 आ जाएगा, C21 ये भी निगेटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटेंगे इसका डिटरमिनेंट वैल्यू, और C22 ये आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए जो हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो यहाँ 5 -7 -2 3 का ट्रांसपोज, यहाँ आ जाएगा 5 -7 -2 3। ठीक है, चलिए अच्छा इसका भी हम लोग यहाँ पे वही काम करते हैं, को फैक्टर निकालते हैं, इसको ए से डिनोट कर देते हैं A11, ये रहो ये कम हो जाएंगे 2 A12, ये रहो ये कॉलम हटेंगे, ये निगेटिव में होता है ये वाला, तो -3 आ जाएगा, A21 ये भी निगेटिव में होता है, ये रहो ये कॉलम हटेंगे -6, A22 तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इनको फैक्टर को रख लो 2 -3 -6 4 का ट्रांसपोज, यानी आ जाएगा 2 -3 -6 4। ठीक है, यही ना हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसके बाद, तो ए का इनवर्स क्या होगा, तो 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यानी आ जाएगा 1 बाई 1, और यहाँ आ जाएगा आपका 5 -2 -7 3, यानी यही हो जाएगा आपका 5 -2 -7 3 ए इनवर्स। अच्छा बी का इनवर्स, और बी इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ बी और इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी। चलिए तो 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ बी की बात करेंगे, तो 1 बाई -10 और यहाँ हो जाएगा 2 -6 -3 4, ये जाके ये मल्टीप्लाई करेगा माइनस वाला 1 बाई 10, और ये आ जाएगा आपका -2 + 6 + 3 - 4। ठीक है, माइनस अंदर लेके चलेगा, बी इनवर्स निकल गया। अब देखिए इसके बाद लोग यहाँ पे पहले RHS ही ले लेते हैं, RHS में था ना जी बी इनवर्स ए इनवर्स, तो बी का इनवर्स है यहाँ पर 1 बाई 10, और यहाँ मैट्रिक्स देखिए दिया है -2 6 3 - 4, और बी ए का इनवर्स क्या है, तो ए का इनवर्स हमारे पास ऊपर यहाँ पे देखिए 5 -2 -7 3। चलिए अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 1 बाई 10 ऐसे ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो आ जाएगा -10 -42, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और प्लस का 28, फर्स्ट रो में सेकंड वाले कॉलम से तो 4 + 18, सेकंड रो में सेकंड वाले कॉलम से तो -6 और यहाँ -12, तो यहाँ 1 बाई 10 और यहाँ डिटर्मिनेंट सॉरी मैट्रिक्स क्या आ जाएगा -52, यहाँ 22, यहाँ पर हो जाएगा आपका 43। ठीक है, और यहाँ पे -18, ठीक है 18 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ये आपका RHS आ गया। अब हम लोग A इंटू बी पहले निकाल लेते हैं, तभी ना हम लोग AB का इनवर्स निकालेंगे। तो A मैट्रिक्स ऊपर दिया था 3 2 7 5, और B आपका दिया हुआ है 4 6 3 2, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से 12 + 6, सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से तो 28 + 15, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से किए हैं, अब फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम से करते हैं, यहाँ पर 18 और प्लस का 4, सेकेंड रो में अब सेकेंड कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे 42 और प्लस का 10, तो यहाँ आ जाएगा आपका देखिए 18 22 43, और यहाँ हो जाएगा आपका 52।
अब इसके बाद इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग पहले डिटर्मिनांट ऑफ ए बी निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ डिटर्मिनांट वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं 18 में 52 से ना, तो आप 18 में जब 52 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 936, और माइनस 43 में आप 22 से करोगे, 43 में 22 से करोगे यहाँ 946 आ जाएगा, जबकि यहाँ -10 आ गया जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो हर एक एलिमेंट का को फैक्टर निकालिए, 52 12 यहाँ पे माइनस का 43 C21 -22 C22 18। चलिए अब इसके बाद लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 52 -43 -22 यहाँ पर 18 का ट्रांसपोज, तो यहाँ आ जाएगा देखो 52 -43 और यहाँ माइनस का 22 और यहाँ पर 18 प्लस का। चलिए यही ना हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, तो अब लिख सकते हैं कि ए बी का इनवर्स इक्वल टू में हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ये ए बी है ठीक है। चलिए 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी माइनस का 10 है और यहाँ पर ये निकल गया है 52 -22 -43 और यहाँ 18। चलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका क्या है एल एच एस है। चलिए तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10 यहाँ हो जाएगा माइनस का 52 प्लस का 22 प्लस का 43 और माइनस का 18। यही ना आपका एल एच एस और आर एच एस दोनों सेम ही हो गया, दोनों इक्वल हो गया, एल एच एस इक्वल टू में आर एच एस। समझ गए, हमने यहाँ प्रूव कर दिया, वेरीफाई कर दिया इस रिलेशन को। इसके सेकेंड